महाराष्ट्र के अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने नए संसद भवन के उद्घाटन पर जाने को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हम पूरे दिल और इच्छा के साथ जाएंगे और जो नहीं जा पा रहे वो टीवी के सामने बैठकर उस पवित्र मंदिर के उद्घाटन को देखेंगे। उन्होंने कहा कि उद्घाटन को लेकर विपक्ष का विरोध इसलिए है कि उन्होंने जो सोचा नहीं हो पाया, मोदी जी ने वो कर दिखाया और समय से पहले कर दिखाया। बता दें कि नवनीत राणा ने कहा, विपक्ष की तकलीफ संसद नहीं ना ही राष्ट्रपति को बुलाए जाना है, बल्कि उनकी तकलीफ है कि ये मोदी जी ने कर दिखाया है और इसलिए विपक्ष के पेट में दर्द हो रहा है। कहते हैं ना कि मोदी जी है तो मुमकिन है, और ये संसद भवन के उद्घाटन में होता दिख रहा है। विपक्ष से पूछना चाहती हूँ कि मंदिर का उद्घाटन करने वालों का बहिष्कार करने वाला कौन होता है? नास्तिक? क्या आप नास्तिक हैं? हमारी तो ऐसे मंदिर से आस्था जुड़ी है तो वहाँ जाकर मत्था टेकेंगे। मेरा सवाल है विपक्ष से, आज तो आप उद्घाटन में नहीं जाएंगे, लेकिन क्या जब संसद चलेगी तब भी वहाँ नहीं जाएंगे? इसके साथ नवनीत राणा ने उद्धव ठाकरे समेत विपक्षी दलों के प्रमुख नेताओं पर हमला करते हुए कहा, महाराष्ट्र में नया चलन है कि कोई बिहार से झुंड बना के आ रहा है, कोई दिल्ली से तो कोई कोलकाता से झुंड बना कर आ रहा है। मेरा कहना है कि शेर हमेशा अकेले चलता है और वो पीएम मोदी हैं। झुंड बनाने वाले तो सिर्फ लड़ते रह जाएंगे और 2024 में भी शेर ही लोगों के आशीर्वाद से जीत कराएगा। बता दें, संजय राउत को लेकर राणा ने कहा, उन्हें महाराष्ट्र में लोगों ने सुनना छोड़ दिया है, लेकिन फिर भी मैं इतना कहना चाहूंगी, मैं भी पिछड़े समाज से आती हूं और मुझे बहुत गर्व हुआ जब मोदी जी ने आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया। आज तक किसी विपक्ष ने ऐसा क्यों नहीं सोचा कि आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया जाए? अगर महिलाओं को लेकर ये पिछड़ा वर्ग ही महिलाओं को लेकर इनका प्रेम है तो हमें बताएं कि महाराष्ट्र में आज तक मुख्यमंत्री महिला क्यों नहीं बनी है? मोदी जी ने तो गुजरात में महिला मुख्यमंत्री बनाए और अपने ही राज्य में महिला आदिवासी मुख्यमंत्री भी बनाई। सिंधे गुट के 22 लोकसभा सीटों के दावों पर उन्होंने कहा, आज वो अपनी पार्टी के हिसाब से अपने विचार रखते हैं। मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं और मेरे पति भी इंडिपेंडेंट हैं, तो आगे की लड़ाई भी ऐसे ही लड़ेंगे, लेकिन इस बारे में बात करना अभी बहुत ही जल्दी है, जब वक्त आएगा तब इस पर चर्चा करेंगे।